सुशांत के मौत का केस अब सीबीआई को चला गया है, वहीं इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी एक तरफ जहां सुनवाई चल रही है, तो वहीं अब इस मामले को लेकर एक नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। नया खुलासा इसमें यह है कि सुशांत के जो सिग्नेचर है उसको फॉर्ज किया गया है, और ये कहना है मुंबई हाईकोर्ट की लॉयर और सोशल एक्टिविस्ट चांदनी शाह जी का। वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। पूरा मामला क्या है आइए उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। चांदनी जी, आपका ये कहना है कि जो सिग्नेचर है सुशांत के डॉक्यूमेंट्स में और जो पहले उनके पैन कार्ड या दूसरे जो थे उसमें जो सिग्नेचर्स थे उनमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है, आपको लगता है फॉर्ज्ड है, क्या है पूरा मामला ज़रा बताइए। एक्चुअली जब मैंने बिकॉज अब इतना सब कुछ खुल के सामने आ रहा है और इतनी सारी चीज़ें जो इन्वेस्टिगेशन में पहले ही होनी थी जो कि नहीं हो पाई है, तो जब मैंने सुशांत के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने डाउनलोड किए तो और मैं उनको स्टडी कर रही थी, तो उनके जो MOA और AOA दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये जो पेपर्स हैं जो उनकी फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन जो लास्ट 6 January को इनकॉर्पोरेट हुई जो कंपनी है उसके जो पेपर्स हैं उसमें जो सुशांत सिंह राजपूत के नाम के आगे जो सिग्नेचर किया गया है वो 99.9% एलिजिबली दे आर फॉर्ज्ड। बहुत सारी डिफरेंसेस हैं जो इस सिग्नेचर में और सुशांत के ओरिजिनल सिग्नेचर में बहुत विजिबली एविडेंट हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये है सुशांत के ओरिजिनल सिग्नेचर जो कि सुशांत की 2018 की कंपनी इनसाई वेंचर्स लिमिटेड के हैं, ये उसके डिक्लेरेशन फॉर्म पे सिग्नेचर्स है। ये है सुशांत के सिग्नेचर, ये है सुशांत का पैन कार्ड, ये सुशांत के पैन कार्ड पे सुशांत के सिग्नेचर्स हैं जो कि ओरिजिनल सिग्नेचर्स हैं। यहाँ पे जो हम डिफरेंसेस देख पा रहे हैं ये है सुशांत के जनवरी में इनकॉर्पोरेट की गई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के पेपर्स, ये सुशांत का जो सिग्नेचर है और ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो सुशांत का सिग्नेचर है। अब मैं आपको बेसिक डिफरेंस जो है वो बता दूँ, आप एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट इसको ज़्यादा अच्छे से कंफर्म कर पाएगा, बट आई कैन शो यू द बेसिक डिफरेंसेस। जो डिक्लेरेशन में जो सिग्नेचर है, ठीक है, डिक्लेरेशन के सिग्नेचर इज नॉट मोर देन 45 degrees, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर्स देखिए, इट इज गोइंग लाइक दिस, इट इज मोर देन 45 degree इंक्लिनेशन, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये बहुत ही एफर्टलेस सिग्नेचर है, एक स्ट्रोक में किया गया। इन सिग्नेचर्स में ब्रेक्स है, जैसे किसी कोई सिग्नेचर अगर हम देख के करते हैं कि कहाँ से कैसे उसका मोड आ रहा है, किस तरीके से उसका इसको लिखा जा रहा है, उसे देख के जो किया जाता है उस काइंड ऑफ सिग्नेचर है। सुशांत के नाम के मतलब सिग्नेचर के नीचे वन सिंगल लाइन स्ट्रोक है, यहाँ पे दे आर डूइंग डबल लाइन एंड दैट टू, ये भी सोच समझ के की गई लाइन है, इट इज अ वेरी स्ट्रेट प्रॉपर स्लोअर ग्रेजुअली डन लाइन, जो नॉट थरली एग्जैक्टली, जो कि एस है सुशांत का, जो एस का जो फॉर्मेशन है इट्स वेरी एफर्टलेस और वेरी क्विक फॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एस का फॉर्मेशन है वो भी एकदम सोच समझ के किया गया है, यहाँ पे देख लीजिए या फिर आप यहाँ पे देख लीजिए, दिस लुक्स मोर लाइक एन आर नॉट लाइक एन एस, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, सुशांत को टी में कहीं पे भी, सुशांत का आप ये देख लीजिए यहाँ पे या डिक्लेरेशन में देख लीजिए, उसको टी को छोड़ देने की आदत थी नीचे, यहाँ पे भी टी को एलोंगेट किया गया है, यहाँ पे भी टी को एलोंगेट किया गया है। सबसे अहम बात, सुशांत की जो बेस लाइन है, जो सिग्नेचर की बेस लाइन, इट इज नॉट स्ट्रेट, ये स्ट्रेट नहीं जाती है, यहाँ पे एक नीचे आता है, यहाँ पे नीचे आता है, उसकी स्ट्रेट बेस लाइन नहीं है। इसकी बेस लाइन देखिए, इट गोज लाइक दिस, इट इज अपवर्ड कर्व एंड यहाँ पे स्ट्रेट। दीज ऑल डिफरेंसेस, दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस विच शो एक एज अ लेमैन और एज एन एडवोकेट, बिकॉज आई हैव सीन केसेस, मेरे पास जब केसेस आते हैं फॉर्जरी के या समथिंग, तो हमको आदत होती है कि हम ये सारी चीज़ों को स्टडी करें, तो इन चीज़ों की वजह से समझ में आ रहा है कि ये जो सिग्नेचर्स की गई है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दीज आर फॉर्ज्ड सिग्नेचर्स। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ग्राफोलॉजिस्ट कैन कन्फर्म इट मोर, यू नो, 100% श्योरिटी के साथ वो कन्फर्म कर सकता है, लेकिन मैं ये
आपके जरिए अथॉरिटीज को बताना चाहती हूँ कि इस चीज में जांच करना बहुत ही जरूरी है। श्रुति मोदी जो कि विटनेस है इसकी, उनसे ये पूछताछ करना बहुत जरूरी है कि क्या ये सिग्नेचर्स उनकी हाजिरी में की गई हैं। अगर नहीं की गई है तो किनके कहने पे इन्होंने एज अ विटनेस साइन किया है, बिकॉज ये बहुत ही अहम मुद्दा है उठाने के लिए। 3 जनवरी को इनकॉर्पोरेट, ये 3 जनवरी को सिग्नेचर हुए हैं, 4 जनवरी को गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अपलोड हुए हैं और 6 जनवरी को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। तो क्या सुशांत को पता चल गया था कि उनकी सिग्नेचर फॉर्ज करके एक नई कंपनी बनाई गई है? क्या ये तनाव पैदा हुआ था इन लोगों के बीच में? ये जांच करना बहुत जरूरी है। ये एक मोटिव है एक मर्डर का। इफ यू आर फाइंडिंग अ मोटिव फॉर अ मर्डर एंड इफ दिस इज ट्रू देन दिस इज अ बिग मोटिव फॉर मर्डर। इस तरीके से आपने कंपैरिजन दिखाया सिग्नेचर्स का, जो फॉर्जरी उसमें लग रही है कि कॉपी करने की कोशिश की गई है, आपने क्या किसी सिग्नेचर एक्सपर्ट से इसके बारे में सजेशन लिया, उनसे कंसल्ट किया, उन्हें दिखाया, उन्हें क्या लगता है अगर हम जानना चाहें? जी, मैंने ग्राफोलॉजिस्ट जो है वो 20-25 ईयर्स से हैं। मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो एनोनिमस रहना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने भी मुझे कहा है, उन्होंने ही एक्चुअली मुझे थोड़े से जो डिफरेंसेस मैंने आपको बताए, जो बेस लाइन वगैरह के डिफरेंसेस, वो उन्होंने ही मुझे पॉइंट आउट करके बताए हैं कि ये जो सिग्नेचर्स हैं वो फॉर्ज्ड सिग्नेचर्स हैं एंड ये सुशांत के सिग्नेचर्स नहीं हैं। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो सिग्नेचर्स हैं वो सुशांत के सिग्नेचर्स नहीं हैं। जो डिक्लेरेशन और जो इनसाई के जो सॉरी जो पैन कार्ड में जो पैन कार्ड में जो है दोज आर सुशांत सिग्नेचर बट नॉट इन द अदर टू पेपर्स। आपको लगता है ये सारी चीज़ें जो हुई हैं सुशांत के बगैर जानकारी में हुई हैं, चोरी छिपे किया गया है, उनके ये नॉलेज में नहीं था और उसके जरिए ये सिग्नेचर्स किए गए हैं इनकी टीम के द्वारा जिनके लेकर जांच चल रही है? देखिए, मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताती हूँ। जब हम कंपनी फॉर्म करते हैं एमसीए की वेबसाइट पे, तो अगर आप ऑलरेडी डायरेक्टर हैं और अगर आपको एक सेक्शन 8 के अंडर कंपनी फॉर्म करनी है तो आपको फिर से आईडी प्रूफ्स अपलोड नहीं करने पड़ते। जो उनका जो एसपीआईसीई का जो फॉर्म होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का फॉर्म 33 और 34, यू डोंट हैव टू फिल दैट, वो भी आपको फिल करने का ज़रूरत नहीं होता है। आपको मैंडेटरीली पीडीएफ फॉर्मेट में INC फॉर्म 32 यानी कि इनकॉर्पोरेशन का जो फॉर्म होता है उसके साथ एक PDF फॉर्म अपलोड करना होता है, दैट इज दिस फॉर्म्स, सिर्फ सेक्शन 8 कंपनीज के लिए, ऑलराइट? सो ये फॉर्म अपलोड करना पड़ता है। तो देर इज हाई पॉसिबिलिटी, क्योंकि सुशांत का DIN नंबर था, विविड रेज में शौविक को भी DIN नंबर मिल गया था, रिया को भी DIN नंबर मिल गया था। तो सिर्फ DIN नंबर के जरिए आप एक कंपनी फॉर्म कर सकते हैं और सिर्फ PDF पे ही अगर साइन करके करना तो वो कोई भी कर सकता है। तो हाई पॉसिबिलिटी के सुशांत को इस कंपनी के फॉर्मेशन के बारे में पता ही नहीं था। तो आपको लगता है कि जांच एजेंसियां जो अभी सीबीआई को केस गया है उनके तरफ से जो फैमिली के अभी स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं, ईडी भी अपनी तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग या इसमें जो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल हुआ उसकी जांच करें, आपको लगता है इसके बारे में भी जांच करना चाहिए? एक बहुत बड़ा एक क्लू हो सकता है या एक पिन हो सकता है जिससे ये जो केस है उसको एक नई दिशा मिल सकती है? 100% इसको जांच करना ही चाहिए। और मैंने आई सॉ ऑन टीवी के ऑलरेडी ईडी को लग रहा है कि बैंक के पेपर्स में भी सुशांत के फॉर्ज किए गए सिग्नेचर्स हैं, ऐसा ईडी का मानना है, उनको भी डिस्क्रिपेंसी लग रही है। तो देयर इज 100% चांस कि इसमें भी डिस्क्रिपेंसी हो, क्योंकि बिकॉज कुछ जो डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जो होते हैं नॉर्मली लोग नहीं सोचते हैं उस बारे में, लेकिन अगर कोई बैंक के साथ फॉर्जरी कर सकता है, आगे भी हम इतने सारे केसेस होते हैं जहाँ पे फॉर्जरी होती है, तो ये भी फॉर्ज हो सकता है, देयर आर हाई चांसेस ऑफ दिस। से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं चांदनी शाह का साफ तौर पे ये कहना है कि ये जो मामला है ये इतना सिंपल लग नहीं रहा है, जहाँ पर उनके मौत को लेकर ये सस्पेंस जारी है, परिवार वालों का ये आरोप है कि उनकी हत्या की गई है, तो वहीं पर ये जो फौज सिग्नेचर का मामला है इसकी भी जांच करनी चाहिए। एक तरफ जहां सीबीआई मामले की जांच कर रही है तो वहीं इस मामले की भी गंभीरता को समझना चाहिए और जांच एजेंसियों को ये फौज सिग्नेचर का जो इनका कहना है आरोप है इसकी भी जाँच करनी चाहिए। कैमरामैन सुनील कंकरियाल के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।